गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग लास्ट हो सकता है कि ये लास्ट लेक्चर हो आपका साउंड चैप्टर का। अभी तक हम लोग ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया है। हेलो गुड आफ्टरनून आदर्श। ठीक, तो अभी तक हम लोग ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर से क्या करिए कि पुराने जितने भी वीडियोस है उसको देखिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम लोग को डाउट हमसे आप लोग डाउट क्लियर करवा लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो नॉइज पॉल्यूशन है। नॉइज हम लोग ने देख लिया, व्हाट इज नॉइज। ठीक है, द अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, है ना। अनप्लीजेंट और अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, जैसे अनप्लीजेंट का मतलब जो सुनने में आरामदायक ना हो, उससे हमको क्या बोलते हैं चिड़चिड़ापन हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, अनप्लीजेंट साउंड कहेंगे। ओके फाइन। अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है। देखिए म्यूजिक को हम क्या कहेंगे, यूज। नमस्ते नमस्ते। चलिए म्यूजिक को क्या कहेंगे हम लोग, तो प्लीजेंट साउंड होता है वो, है ना। और नॉइस को क्या कहेंगे, अनप्लीजेंट साउंड हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। इससे क्या हार्म होगा, क्या बहुत इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के वजह से। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन। तो पहला है, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन में आप लोग ये लिखिएगा, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है इसका। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। ठीक है, क्या है, द प्रेजेंस ऑफ लाउड साउंड, द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड। इससे क्या होता है, आप लोग को डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बिंग साउंड इन आवर एनवायरनमेंट। इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड इन आवर एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है, ये अनवांटेड जो साउंड होता है उससे हम लोग को डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना। और ये एक लाउड साउंड होगा और अनवांटेड साउंड होगा, तो इसी से जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है उसी को हम क्या कहेंगे, नॉइज पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये कैसे होगा, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, मोटर व्हीकल मेकिंग हॉकिंग साउंड्स, मोटर व्हीकल्स मेकिंग हॉकिंग साउंड्स, मतलब बहुत जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद से लाउड म्यूजिक अगला है बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। ये बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स मतलब पटाखे छोड़ना, क्रैकर्स किसे कहते हैं, पटाखों को कहते हैं। ठीक है,
पटाखे छोड़ना, जैसे और एग्जांपल के तौर पे जैसे जैसे प्लेन के उड़ने से भी आप लोग को मतलब नॉइस पॉल्यूशन का एहसास होता है ना, लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ ऑफ जेट प्लेन्स, लैंडिंग और टेकिंग ऑफ जेट प्लेन्स है ना, इससे ये बहुत सारे मतलब छोटे छोटे एग्जांपल्स है, ठीक है। नॉइस क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर्स वगैरह भी, ये भी आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे या तो आप लोग बोल सकते हैं घर पे बच्चे भी बहुत सारे शोर मचाते हैं, स्कूल्स में है ना खेलते समय भी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो ये भी एक किस्म का नॉइज पॉल्यूशन ही हुआ, ठीक है। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन क्या है, हार्म उससे क्या हार्म होगा, देखिए क्या होगा, जब ज़्यादा साउंड क्रिएट होगा तो पहला चीज़ हमारा जो इफेक्ट पड़ेगा वो कानों को पड़ेगा, तो पहला चीज़ अच्छा लिख लीजिए, पहला चीज़ जो इफेक्ट होगा हम लोग को हमारे कानों को होगा है ना, दूसरा चीज़ क्या है हमारे हेल्थ पर पड़ेगा, हो सकता है कि मतलब क्या बोलते हैं कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, मान लीजिए कि अचानक क्या होता है कि किसी ने पटाखा छोड़ दिया ज़ोर से, तो आप क्या होते हैं चौंक जाते हैं, तो इससे हो सकता है कि या तो आपके कान का मतलब जो ईयर ड्रम का जो होता है ईयर मेम्ब्रेन होता है अंदर एक मेम्ब्रेन होता है वो फट जाता है, तो आप बहरे भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि मतलब आपको हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है अचानक, ठीक है। एक और डिजीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी आप लोग का अप डाउन हो सकता है इस वजह से, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं हमारे हेल्थ, हमको हेल्थ इश्यूज हो सकता है, हेडेक हो सकता है ना। चलिए इसको लिखते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन को देखते हैं। एक एक करके इट मे कॉज डैमेज टू ईयर्स, इट मे लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। इट मे लीड टू हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर जिसको होता है उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। एंड हेडेक भी लिख सकते हैं यहाँ पर, हेडेक, ठीक है। हाइपरटेंशन को यहाँ पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इसको क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ हो सकता है कि हम लाउड नॉइज़ के वजह से कंसंट्रेशन खो सकते हैं, इट मे लीड टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन लिख लीजिए, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक, ओके, फाइन। चलिए ये छोटे मोटे मतलब चीज़ें थी जिससे हम लोग को इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, इससे इफेक्ट हो सकता है। चलिए ओके, और
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग ने हार्म्स देख लिया, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन देख लिया। अब इस नॉइस पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या मैं कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? देखिए कैसे कंट्रोल किया जाए नॉइस पोल्यूशन को, हाउ नॉइस पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर्स टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, मेजर्स टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। हम लोग नॉइस पोल्यूशन को मतलब रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है? पहला चीज़ हम क्या करेंगे कि अपने जो भी हमारे जो भी चीज़ें रहती हैं, जैसे टीवी, जैसे म्यूजिक सिस्टम, ये सब चीज़ें हम लोग को लाउडली नहीं बजाना है, ठीक है? टू अवॉइड प्लेइंग TVs, music system, etc. loudly. मतलब loudly अगर नहीं बजाएंगे, ठीक है, the horns of motor vehicles should not be blown unnecessarily, मतलब बिना जरूरत के हमको नहीं बजाना है। देखिए डीजे जब बजता है तो आपका क्या बोलते हैं कि आपका शरीर इसलिए कांपने लगता है क्योंकि वाइब्रेशन क्रिएट होता है। हम पहले ही बोल दिए हैं कि जो साउंड आप जो भी बोलते हैं साउंड वाइब्रेशन के वजह से होता है ना। तो अब मान लीजिए आप जब डीजे के नज़दीक खड़े हैं तो वो क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करता है, बहुत लाउड रहता है, तो ऑब्वियसली वो मतलब आपके आसपास के मॉलिक्यूल्स को टच करेंगे और वो मॉलिक्यूल्स आपके शरीर को टच करेगा तो ऑब्वियसली वाइब्रेट कांपना लाजमी है, कांपिएगा। ठीक है, देखिए ये मेजर्स है नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। पहला क्या है, टू अवॉइड प्लेइंग टीवीज, म्यूजिक सिस्टम्स, रेडियो एक्सेट्रा, जो भी है लाउडली प्ले नहीं करना है। आप अपने से ये लिख सकते हैं, खुद से भी ये बना करके लिख सकते हैं क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। दूसरा क्या है, टू द हॉर्न्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, यहाँ मोटर लिख दिए हैं, यहाँ पर व्हीकल्स लिख लीजिए, VHICLES, मोटर व्हीकल्स शुड नॉट बी ब्लोन अननेसेसरीली, मतलब बेवजह आप मतलब जो गाड़ी के हॉर्न है उसको ना बजाएं। तीसरा है, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स शुड बी अवॉइडेड, इससे भी साउंड पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, ठीक है? तो इससे आप लोग बचिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट कीजिए, ट्रीज शुड बी प्लांटेड रोड साइड्स।
ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलोंग द रोड साइड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, टू अवॉइड नॉइज पॉल्यूशंस, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा है जो भी लाउड स्पीकर्स है उसको लो वॉल्यूम में आपको बजाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आपके मेजर्स है, आप लोग कीजिएगा तो नॉइज़ पॉल्यूशन ऑब्वियसली कम होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में, इसको लिख लीजिए, इसे जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से इसको लिख लिया जाए। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, आप उधर देख लीजिए। ओके फाइन, हो गया है आदर्श, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक हम लोग का इसी में नॉइज़ पॉल्यूशन में ही हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग। देखिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज का संबंध मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन से कैसे है। जैसे क्या होता है कि जो ट्रीज होता है एक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, सोखने वाली चीज़ की तरह काम करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ट्रीज रहेगा उतना ज़्यादा वो ऑब्जर्व करेगा, वो हर चीज़ हर टाइप ऑफ पॉल्यूशन को ज़्यादातर ऑब्जर्व कर सकता है, एयर पॉल्यूशन को भी हटा सकता है, इसी तरह नॉइस भी कम क्रिएट होगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट, दिस इज़ ए काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, आपको सुनने में दिक्कत आएगी, ठीक है, डैमेज हियरिंग बोला जाएगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, डैमेज हियरिंग, ठीक है, इसको लिख लिया जाए। हियरिंग इम्पेयरमेंट हम लिख रहे हैं, आप हम इट मीन्स लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग लिखिएगा हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। इट मीन्स दैट अ पर्सन हैज डैमेज हियरिंग एबिलिटी, डैमेज्ड इसका ये मतलब है कि वो आदमी, एक आदमी को मतलब उसका कान डैमेज्ड है, ठीक है, एंड कैन नॉट हियर प्रॉपरली, डैमेज्ड उसका ईयर डैमेज्ड है, यानी कान उसका डैमेज्ड है और वो अच्छी तरह से सुन नहीं सकता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है, इतना क्लियर है। कुछ लोग होते हैं ना वो पैदाइशी उनको कम सुनाई देता है, या फिर पैदाइशी बहरे भी रहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, एक टर्म लिख रहे हैं डेफनेस,
डेफनेस क्या है? डेफनेस इज कंप्लीट या टोटल, ठीक है, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट, पूरी तरह डैमेज हो गया है कान आपका। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेफनेस क्या है, पूरी तरह आपका कान डैमेज हो गया है, ठीक है। डेफनेस का मतलब एक और होता है जैसे पार्शियल डेफनेस होता है, ठीक है, या फिर बोला जाता है उसको पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट बोला जाता है, या फिर पार्शियल हियरिंग लॉस भी बोला जाता है। तो इसका क्या मतलब है, ये मतलब उसको थोड़ा कम सुनाई देता है, ठीक है, उसको थोड़ा कम सुनाई देता है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? उसको एक मतलब साउंड मशीन दे करके उसको ठीक किया जा सकता है। साउंड मशीन देने से क्या होता है कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से उसको लाउड सुनाई देगा। देखिए पहले भी हम लोग बोल पढ़ चुके हैं कि लाउडनेस कैसे बढ़ता है, लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो वो हियरिंग मशीन होता है ना, उससे क्या होता है कि जो आदमी को कम सुनाई देता है उसका एम्पलीट्यूड वो बढ़ा देता है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से साउंड आपका लाउड सुनाई देगा। तो इस तरह से वो बंदा सुन सकता है, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या बोला, जो पार्शियल हियरिंग लॉस जो होता है, जिस आदमी को पार्शियल हियरिंग लॉस होगा वो एक हियरिंग एड, ये एक मशीन है ना, हियरिंग एड बोला जाता है, इस मशीन के वजह से वो सुन सकता है। अब हियरिंग एड क्या है उसको लिख लेते हैं। हियरिंग एड एक मशीन है, स्मॉल साउंड एम्पलीफाइंग डिवाइस विच इज वर्न बाय वन ऑन ईयर्स ऑफ पार्शियली डेफ पर्सन, ठीक है। जो पार्शियली डेफ पर्सन होता है ये अपने कान पर लगा पहनते हैं और इससे उनको सुनाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या मतलब हम लोग ने मतलब ये छोटे मोटे टॉपिक्स को भी कंप्लीट किया हुआ है ना। और यहाँ पर हम लोग ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, थोड़ा सा लंबा भी गया होगा, ठीक है, लंबा नहीं गया, 4-5-6 लेक्चर हुआ होगा लास्टली, 8-6 लेक्चर हुआ होगा, ठीक है। जिन्होंने भी मतलब ये अगर आप देख रहे हैं कि किसी को भी नहीं समझ में आया तो प्रीवियस लेक्चर्स जा करके देखिए, ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग जा करके देखिए, और कहीं भी आपको दिक्कत आ रहा है तो समझ। पार्शियल का मतलब होता है कि आधा होता है, कुछ कुछ सुनाई देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मतलब साउंड चैप्टर को हम लोग ने कंप्लीट किया।
अगर किसी को कोई किस्म का डाउट है तो हम यहाँ पर कुछ देर के लिए खड़े हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए एक डाउट आया है, जैसे किसी को पूरा सुनाई नहीं देता है, वो पूरी तरह बहरा है, तो उसको देखिए पार्स हियरिंग एड कब सुनाई देता है, जब आपको थोड़ा मोड़ा सुनाई दे, ठीक है, पार्शियली आपको सुनाई देगा तभी आपको मतलब हियरिंग एड का फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल जिसे बिल्कुल सुनाई नहीं देता है उसके लिए कोई काम का नहीं है वो मशीन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने क्या देखा, आदर्श कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, याद रखिएगा कि थर्सडे को आपका फ्रिक्शन का टेस्ट होगा, इसी टाइम से मतलब टू अराउंड 2:30 से लेकर के, है ना, या फिर हम लोग कर देंगे उसको पब्लिश, हाँ 2 बजे से 3 बजे तक का टाइम दे देते हैं, 2 बजे से 3 बजे का टाइम रहेगा थर्सडे को, याद रखिए 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में आपको टेस्ट अटेंड करना है एम्पावर स्टडी जोन के ऐप पर, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले एक नए चैप्टर के साथ, टेक केयर, बाय।